हेलो भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। सुब्रत दुबे दिस साइड। आज भाई टीका ही का लगा के अच्छा लग रहा हूँ ना, बताओ कैसा लग रहा हूँ, कमेंट करके बताओ पहले, तब आगे बढ़ेगा ब्लॉग। अच्छा ही बताना, बुरा तो कोई बता ही नहीं सकता है। तो भाई आज भी कुछ नहीं, चलते हैं आज फिर से कहीं घूमने के लिए। निकल तो लिए हैं यहाँ से, अब आगे चल के दिखाते हैं। बस से जाते हैं या लिफ्ट से? पहुंच गए हैं अपने, कहाँ पहुंच गए हैं, अपनी लोकेशन पहुंच गए हैं। अब कुछ भाई बंधु से मिलते हैं, फिर देखते हैं भाई क्या होता है आगे आगे। देख लो भाई, चेक दिस। देख लो बाबू भैया, देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। भाई फिर से घूमने के लिए निकल गए हैं। बाबू भैया को शब्द बोलेंगे। बाबू भैया शाम हेरा फेरी दे रहा था, राजू मेरे का कॉल कर रहा है, बोल रहा है देखो इस टनल पे क्या दे रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, आई एम जेट टू हैदराबाद, यू आर शाम और राजू, माय नेम इज बाबू भैया। भाई आज हम लोग एक किले में जा रहे हैं और भाई देख लो जंगल है, जंगल पूरा जंगल है भाई, पूरा जंगल है। जो किला है ना वो पहाड़ों के ऊपर है। तुम लोगों को भाई क्या ही बताऊं, जंगल है भाई, दिखाऊं वो देखो। उस किले पे जाऊंगा, उस किले पे, अब उस किले की रास्ता नहीं पता चल रही किधर। भाई देख लो जंगल में, किले के लिए कहाँ जंगल जंगल घूम रहे है। आप रोड देखो भाई कितनी सकरी है, सकरी भी पतली है। भाई यार किला में तो आ गए हैं यार, बट ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि आर्मी की सिक्योरिटी लगी है। ये एक्चुअली में एक वाटर टैंक है, मतलब तो बहुत बड़ा वाटर टैंक है जहाँ इधर पूरे इलाके का पानी जाता है, वाटर वाली टंकी समझते हो, ये वो है। तो इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है सिविलियन को, इसलिए नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि उस पानी में कोई कुछ मिला ना दे, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं। और कोई बात नहीं है, आर्मी के लोग खड़े हैं, जाने नहीं दे रहे। हमने तो भाई पूरा सोर्स लगा लिया, सब बता दिया, ये आर्मी वो आर्मी, पूरा खानदान आर्मी में मैंने सब बता दिया। लेकिन भाई दाल नहीं कर ली ना, वो लोग जाने दे रहे हैं। आप लोगों को दूर से दिखा दूँ मैं तो, दिखा देता हूँ ये किला, दिखाता हूँ अभी। मेरे पीछे देख सकते हो भाई ये किला, वो किला देख रहे हो पीछे, ये जो भाई वो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, वो सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर जाया जाता है, इधर से ऊपर जाया जाता है, वो है वाटर टैंक। एक्चुअली में ये एक वाटर टैंक है और कुछ नहीं, लेकिन है यार बहुत पुराना, अंग्रेजों के ज़माने के जेलरों का है ये। पहले ये एक जेल हुआ करता था, अब इधर वाटर टैंक बना दिया है क्योंकि ऊपर अगर वाटर टैंक रहेगा ना तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा पानी जा पाएगा। आपको अब दिखाऊं, इधर देख सकते हो भाई ये, और ये राजू भाई बाबू भैया गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। ये देख सकते हो भाई, ये है अंग्रेजों के ज़माने के जेलरों ने बनवाया, ये पहले जेल था, अब ये वाटर टैंक हो गया है। देख सकते हो भाई इतनी ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता है, और परमानेंट ड्यूटी 24/7 आर्मी की ड्यूटी इधर लगी है, कोई अंदर नहीं जा सकता। क्योंकि तगड़ा सीन दिखाता हूँ पहले, तो भाई ये निब्बा निब्बी देखो, अर्जुन लव अंशिका, राहुल रब पूनम, भाई पता नहीं जी कहाँ से इतने बड़े पागलपंती आते हैं, ध्रुव लव सोनम, पता नहीं भाई क्या क्या होता है। और जी अब सीन जो आएगा ना वो भाई तगड़ा आएगा, जी सीन देख रहे हो भाई, इस सीन के आगे भाई सब फैले। ये राजू भाई बाबू भैया, ये सीन देखो भाई, वादियों का सीन है भाई। और तुम्हें मेन सिटी दिखाऊं, वो देखो दिख रही है सिटी, वो भाई मेन सिटी है यहाँ पे। और ये व्यू देखो भाई तगड़ा, देख रहे हो भाई पत्थर कहाँ के, और किसी किसी ने भाई देखो कहाँ तक लिख दिया,
वो देखो कहाँ तक ली दिया सालन, कितने ऊपर जाके यहाँ पे आ चुके हैं यार। किला तो यार सही है, लेकिन ऊपर को जाने को नहीं मिला है, बट फुल एंजॉय किया है हम मैंने यहाँ पे। क्योंकि भाई इधर जो अंग्रेजों के जमाने का जेल था, वाटर टैंक बन गया है, वो एक चीज़ अलग बात है। और तगड़ी सी निब्बा निब्बी चल रही है, और जो भाई व्यू आ रहा है भाई, मैं क्या ही बताऊँ यहाँ से, कतई गजब अमेजिंग व्यू यार, अमेजिंग। मतलब जो जो इस व्यू के बारे में बोलूँ उतना कम है, जितना बोलूँ उतना कम है। शहर भी दिख रहा है, वादियाँ भी दिख रही हैं, जंगल भी दिख रहा है, पहाड़ पत्थर सब दिख रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यार। अपने दोस्त लोग भी देख लो, वो देखो जा रहा है, वो अपनी पीछे बाइक खड़ी है। तो भाई यार अब यहाँ पे यहाँ से जाने का टाइम आ गया है, हम लोग नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे। देख सकते हो बाइक अपनी रेडी हो रही है, और किला को भी बाय बाय करते हैं, अंग्रेजों के जमाने के जेलर को बाय कर देते हैं भाई। देख सकते हो भाई यार सीन तगड़ा बना है। जब ऊपर व्यू गया था ना भाई, बहुत तगड़ा सीन था यार, बहुत अच्छा लगा था यार। देख सकते हो भाई। तो भाई निकल चुके हम लोग यहाँ से, देख सकते हो बाबू भैया हाय बोल दो। बाबू भैया जब बोलो हाय बोल दो, तब बोलते नहीं है। राजू भैया अपने हैवी ड्राइवर है, बाय बाय। वो देख सकते हो भाई किला है भाई। अब हम लोग आ चुके हैं लाल बाजार में, लाल बाजार में आ गए, चर्च चौराहे पे आ गए। देख सकते हो यार किला विला सब देख आए हैं। किला क्या है एक्चुअली यार, वो वाटर टैंक था। ये देखो भाई चर्च वाला कहाँ है, वो देखो चर्च, ये देखो। अरे रे 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 रे, ये क्या कर रहे हैं? अरे रे रे रे, हेलो अंकल। सिग्नल पे आ गए, यामा अपनी गाड़ी है, और ये स्कूटर देखो कितनी तेज भजा रहे हैं हम लोग को ओवरटेक करके, और धुआं इतनी तेज निकल रहा है पूछो ना। चला मैं ऐसा कैसे नहीं बोल सका, आई डोंट देख लो भाई, आई डोंट। ओ बाप रे, ये कौन है? यामा बाइक नहीं जानता भाई, लाइक टू बुलेट। तो भाई यार घर पे पहुंच चुके हैं अब, बिल्कुल फाइनली रीच होम। अब क्या सीन है, अब भाई कुछ सीन नहीं, खाना पीना खाऊंगा, और डेढ़ बजने वाले हैं, मैच अपना स्टार्ट है बांग्लादेश की आज लग जाएगी। और आज इंडिया हार गई तो भाई इंडिया का काम खत्म। वैसे भाई हारनी तो नहीं चाहिए इंडिया, बांग्लादेश से तो जीत ही जाएगी। तो भाई तुरंत हॉट स्टार मैच देखूंगा बस। और आज का भाई जो ब्लॉग, भाई जो किला देख के आए हूँ, वाटर टैंक जिसे बोलते हैं भाई, तगड़ा सीन है यार, कतई जहर सीन है भाई। भाई यार देखते हैं खाना में क्या बनाया अभी। और आज भाभी यार नए कपड़ा पहनी है यार, कतई गदा दिखाए। जे देखो यार नया सूट। और आज भरमा भिंडी है, और वो लौकी वाले कोफ्ते हैं, चावल है, और का भाभी रोटी से करेंगे, रोटी है भाई। अभी बंद आया यार सामान सब। चलो भाई तभी तो कहें मोटे ताजे काहे भी रहे मित्र। देखो आज भाई टीका कैसा लग रहा था ये बताओ। और चलो भाई मैच देखते हैं, फिर आपको मैच की सिचुएशन बताते हैं क्या होती है। तो भाई मैच की फर्स्ट इनिंग खत्म हो गई है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वाली। तो उसमें क्या हुआ है, इंडिया ने भाई, इंडिया के तीन प्लेयर्स ने, पहले तो केएल राहुल, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने भाई बांग्लादेश के सारे घोड़े खोल दिए, सब खोल दिए भाई, धागे खोल दिए पूरे। इतना मारा पूछो ना, 50 केएल राहुल, विराट कोहली 50। तो भाई गजब इनिंग खेली है, 184 पे 6 विकेट पे। देखो भाई अब सेकेंड इनिंग में क्या होता है बताते हैं आपको। हाँ तो भाई आज इंडिया जीत गई है, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, बट मैं बता देता हूँ, खुशी है भाई। और ग्रुप बी में पॉइंट्स टेबल में फर्स्ट प्लेस पे है, और उसके बाद अब एक और मैच बचा है जिम्बाब्वे पे, जिम्बाब्वे के साथ 6 नवंबर को। और अब सेमीफाइनल पहुँच गई यार मेरे अंदाज से, पहुँच जाएगी। लेकिन आज भाई गेंदबाजों ने और बल्लेबाजों ने भाई धागे खोल दिए बांग्लादेश के फिर। लेकिन लिंटन दास ने भी भाई धागे खोल दिए इंडिया वाले गेंदबाजों को, बहुत मारा वो तो भाई, रन आउट हो गया कैसे भी, नहीं तो भाई बहुत मुश्किल पड़ जाता जीतना। और भाई इस ब्लॉग को बस यार लाइक कमेंट शेयर यार कर दिया करो यार, कभी तो मेरी बात मान लिया करो, शेयर वगैरह तो किया करो यार ज़्यादा से ज़्यादा। और भाई इस ब्लॉग में आज तो भाई वाटर टैंक गए थे अंग्रेजों के ज़माने की जेल में,
उसे देखा है भाई, अच्छी चीज़ है यार वो, देखने लायक है। 200 सेंचुरी मतलब 200 सालों से है वो बना है, 200 सालों पहले बना था। तो आप लोग समझ सकते हो भाई मतलब कितनी अच्छी चीज़ होगी। अभी तक उसका भाई बाल भी बाखा नहीं हुआ, वैसे ही खड़ा है, बिल्कुल अंग्रेजों के ज़माने का है। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और इस ब्लॉग को भाई लाइक कमेंट शेयर कर दो। ओके, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, आई लव यू, बाय बाय, टेक केयर।